SN लाइव सच सबसे आगे। सिवान शहर में घर में घुस अपराधियों ने जिला परिषद कर्मी राकेश को गोली मार सुला दी मौत की नींद। मृतक जिला परिषद क्लर्क के पद पर थे कार्यरत। रविवार की संध्या अपराधियों ने दिया घटना को अंजाम। महादेवा ओपी क्षेत्र के रामदेव नगर मोहल्ले में घर में घुस शातिर अपराधियों ने जिला परिषद के कर्मी को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। मृतक की पहचान छपरा जिले के छोटा तेलपा गांव निवासी राकेश कुमार पाठक उर्फ विक्की के रूप में की गई। घटना के संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार रविवार संध्या छुट्टी होने के कारण राकेश जो रामदेव नगर स्थित अपने किराए के मकान पर था, तभी संध्या में अपराधियों ने उसे गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। इधर जैसे ही सूचना लोगों को लगी और लोग उसके किराए के मकान पर पहुंचे, देखा कि राकेश की मौत हो गई है और उन लोगों ने इसकी सूचना महादेवा ओपी को दिया और पुलिस घटनास्थल पर पहुंच शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया। स्थानीय लोगों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राकेश तकरीबन 8 वर्षों से जिला परिषद में कार्यरत है और वह रामदेव नगर स्थित अपने मकान पर अकेला ही रहता था, जिसका फायदा उठाकर अपराधियों ने रविवार की संध्या उसे गोली मार दिया। वहीं किसी ने इसकी सूचना राकेश के परिजनों को दी और परिजन सदर अस्पताल पहुंच दहाड़ मारकर रोने लगे। जिला परिषद में कार्यरत अन्य कर्मियों ने बताया कि राकेश का किसी के साथ दुश्मनी नहीं था। 2016 से हम लोग राकेश के साथ काम कर रहे हैं। आज तक राकेश के साथ किसी तरह का भी कोई भी विवाद नहीं हुआ। हालांकि हत्या किस कारण से हुई अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। वहीं उन लोगों ने यह भी बताया कि राकेश से हम लोग हमेशा साथ में रहते थे। राकेश आज तक किसी से विवाद होने की बात नहीं कही थी। उधर उक्त घटित घटना को लेकर SP श्री शैलेश कुमार सिन्हा के दिशा निर्देश के आलोक में एक पुलिस टीम का गठन कर घटना को पूर्ण रूप से पटाक्षेप करने के लिए बारीकी पूर्वक अनुसंधान कर्तव्य को प्रारंभ कर दिया गया है। पुलिस शातिर अपराधियों के गिरेबान तक पहुंचने के लिए तकनीकी सेल का सहारा ले रही है। वहीं श्री सिन्हा के दिशा निर्देश के आलोक में जिला के तेज तर्रार पुलिस पदाधिकारी की एक टोली तैयार कर छापेमारी टीम में लगाया गया है, जो टीम इलाके के संदिग्ध ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। छापेमारी टीम में लगी पुलिस पदाधिकारियों का दावा है कि इस घटना को जल्द से जल्द डिटेक्ट कर लिया जाएगा। दो भाइयों में छोटा था राकेश। आपको बता दें कि परिजनों से प्राप्त जानकारी के मुताबिक राकेश पाठक का पैतृक मकान छपरा जिले के छोटा तेलपा पुलिस लाइन के समीप है और राकेश के सभी स्वजन वहीं रहते हैं। परिवार का पालन पोषण के लिए उसका बड़ा भाई मुंबई में रहकर मजदूरी करता है और राकेश सिवान में रहकर नौकरी करता था। सिवान से सन लाइव के लिए परवेज अख्तर की रिपोर्ट। देश और दुनिया की ऐसी ही खबरों को पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। और हाँ, अगर आप वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर